दोस्तों आप भी अगर सस्ता रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में GoIBIBO एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट यहां पे बुक करके लाइव दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ यहां पे हम बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के बारे में डिटेल में बात करते हुए चलेंगे ताकि आप भी फ्लाइट टिकट बुक करते करते पैसा भी बचा पाए। इसी के साथ साथ अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या आप स्टूडेंट है या आप यहां से टिकट बुक करने के बाद कैंसिल करना चाहते हैं या रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो ये सब का क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, सारा कुछ बात करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के GoIBIBO ऐप के ऊपर चलते हैं और एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाता हूं। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करते ही सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू यहां पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा, वहां से इंस्टॉल करते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट भी कुछ रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए होम पेज कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप यहां पे होटल ट्रेन वगैरह भी बुक कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको तीन ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। तो अगर आपको एक टिकट करना है तो वन वे रखेंगे और राउंड ट्रिप तब करेंगे जब आपको जाने और आने का, यानी कि दो टिकट एक साथ करना हो तो आप राउंड ट्रिप करेंगे, और मल्टी सिटी यानी कि एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे सिटी करना है तो ही आप मल्टी सिटी करेंगे। फिलहाल मैं वन वे रखने वाला हूं, यानी एक टिकट हमें बुक करना है। उसके बाद कहां से कहां तक हमें जाना है फ्रॉम और टू में हमें डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल पटना से दिल्ली का मैं एक फ्लाइट लेने वाला हूं, तो यहां पे हमने फ्रॉम में पटना और टू में दिल्ली डाल दिया। अब यहां पे डिपार्चर डेट हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस डेट को हमें ट्रेवल करना है वो डेट हमें सेलेक्ट करना है। तो यहां पे देख लीजिए कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर के साथ साथ यहां पे प्राइस भी बताए जा रहे हैं कि किस डेट में क्या प्राइस रहने वाला है। हालांकि इस प्राइस का मतलब ये होता है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है, महंगा इससे कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पे देख लेंगे कि किस डेट को आपको ट्रेवल करना है और उस डेट को सस्ता है या नहीं, अगर नहीं तो उससे आगे पीछे का भी डेट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 21 मई 2024 का एक टिकट बुक करने वाला हूं और उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है रिटर्न का। रिटर्न में सेलेक्ट डेट का ऑप्शन है तो हम रिटर्न टिकट बुक नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे कुछ भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला आपको फिल करना है ट्रैवलर डिटेल। यहां पे पहले ही पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों का आप टिकट बुक वाले हैं। ट्रेन वाला यहां पे सिस्टम नहीं है कि आगे चल के आप 2, 3, 4 कितने भी लोगों का नाम फिल कर सकते हो, यहां ऐसा नहीं होता। यहां पहले ही बताना होगा कितने लोगों का आप टिकट बुक कर रहे हैं, उसी हिसाब से आगे आपको नाम डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पे देख लीजिए एडल्ट कितने लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं जिसका उम्र 12 साल से ज्यादा है, और 0 से 12 साल का कितने बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और 0 से 2 साल का कितने बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे फ्री एंट्री किसी का भी नहीं है, चाहे बच्चा 6 महीने का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, सबका टिकट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट 2 साल के नीचे का बच्चे का फिक्स प्राइस है इंडिगो में 1500 रुपया, हर एक एयरलाइन का अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन फ्री किसी का भी नहीं है। इसी के साथ साथ 2 साल से 12 साल का अगर बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो उसका फुल टिकट आपको लगने वाले हैं, जिसका सीट भी मिलेगा। खैर यहां पे मैं खुद अकेला एक एडल्ट ट्रेवल कर रहा हूं, तो एक एडल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है और ओके के ऊपर हम नीचे क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए पैसा बचाने वाला काम आपको इसी पेज के ऊपर करना है। देखिए क्लास वाले कैटेगरी के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 3-4 ऑप्शन है, जहां पे बिजनेस, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, इकोनॉमी और इकोनॉमी का ऑप्शन है। तो इकोनॉमी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सस्ता टिकट आपको दिलाता है, यानी कि हम इकोनॉमी कैटेगरी में टिकट बुक करने वाले हैं तो इकोनॉमी हम सेलेक्ट रखते हैं और इसके बाद डायरेक्टली हम सर्च के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले देख लीजिए अगर आप डिफेंस में है, डॉक्टर, नर्स है या स्टूडेंट है या आप सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन पैसा बिल्कुल भी कम नहीं होता है बुकिंग करते के समय, चाहे आप इस कैटेगरी में आते हो या ना आते हो। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम नीचे सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। हालांकि अगर स्टूडेंट अगर आप होते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का परमिशन मिलता है, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा बेनिफिट सभी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद इस पेज के ऊपर हम आ चुके हैं जहां पे पटना से दिल्ली जाने वाले 21 मई 2024 को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट यहां पे आ चुका है। यहां पे देखेंगे तो बहुत सारे फ्लाइट का यहां पे ऑप्शन है, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग प्राइस, अलग अलग ड्यूरेशन में पहुंचाने वाला। इस पेज के ऊपर तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, और दूसरा कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, यानी कि फ्लाइट कितने देर में हमें पहुंचा रहा है, और तीसरा कि प्राइस सही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्लाइट आपको पसंद आ रहा है यानी कि जो आपके टाइम पे सूटेबल हो रहा है वो सबसे ज्यादा महंगा है। तो ये तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना है। और टिकट बुक करने से पहले टाइमिंग के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8:35 में जो ये फ्लाइट है इसका मतलब ये हुआ कि 6:35 में हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, यानी कि जो यहाँ पे टाइमिंग बताया जाता है इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। यानी कि यहाँ पे जो टाइमिंग बताया जाता है वो फ्लाई करने का टाइमिंग बताया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही आप प्लेन में बैठते हैं उससे पीछे बहुत सारा प्रोसेस है आपको गुजरना पड़ता है,
जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी चेक इन होता है, आपका आईडी कार्ड चेक किया जाता है, आपका बैग स्कैन किया जाता है, फिर बैग आप चेक इन करवाते हैं, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक जाते हैं, और जो कि बोर्डिंग गेट दूर दूर तक होता है तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे एयरलाइन की तरफ से सजेशन दिया जाता है कि आप 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो सारा काम स्मूथली होगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो 8:35 का अगर आप फ्लाइट देख रहे हैं, यानी कि आप ये समझे कि 6:35 में क्या मैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, तो ही आप इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई फ्लाइट का प्लान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्लाइट नॉन स्टॉप है, यानी कि ये डायरेक्टली पटना से दिल्ली पहुंचाया गया। कुछ आपको ऐसे भी फ्लाइट मिल सकते हैं जो नॉन स्टॉप नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पटना से पहले कोलकाता ले जाएगा, कोलकाता से दिल्ली लाएगा, तो ऐसे में हमारा टाइम खराब हो सकता है। तो ये सारे चीजें आपको टिकट बुक करने से पहले इस पेज के ऊपर वेरीफाई करना होगा उस फ्लाइट के बारे में। इसी के साथ साथ प्राइस तो आप देख ही लेंगे कि ठीक है या नहीं, यानी कि सस्ता है या महंगा है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। चलिए तो पहला फ्लाइट को हम बुक करते हैं, तो इस फ्लाइट को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे इस फ्लाइट को बुक करने के लिए 3 कैटेगरी आ रहे हैं, सेवर में 4782 रुपए, उसके बाद यहाँ पे अगला कैटेगरी है जो इससे थोड़ा सा महंगा है, उसके बाद और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फ्लेक्सी प्लस है, सुपर 6E है। इसका मतलब ये हुआ कि सीट वही रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर 6E में अगर आप टिकट बुक करते हैं जो कि लगभग डबल प्राइस के ऊपर है, इसमें बेनिफिट आपको यही मिलता है कि अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो फुल रिफंड मिलेगा, रिशेड्यूल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा, इसी तरीके के छोटा मोटा बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। तो मैं तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेवर कैटेगरी में ही टिकट बुक करता हूँ। तो हमने सेवर सेलेक्ट रख लिया है ऊपर और बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, पैसा बचाना है तो सेवर में ही बुक करना होगा। उसके बाद देखिए सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है इस फ्लाइट के बारे में, यानी कि दिल्ली में 3 टर्मिनल है तो ये 3रा टर्मिनल के ऊपर ये हमारा फ्लाइट लैंड करेगा, तो ये सारा जानकारी आप वेरीफाई कर ले। उसके बाद फ्लाइट के अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, देखिए केबिन बैग आप 7 किलो तक फ्री में ले जा सकते हैं, चेक इन बैग जो बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं वो 15 किलो तक फ्री में ले जा सकते हैं, और खाना पीना आपको एड करना पड़ेगा यानी परचेज करके खाना पड़ेगा। वहीं पे सेवर के अलावा दूसरे कैटेगरी में बुक करते हैं जहां पे थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, तो वहां पे कई बार क्या होता है खाना फ्री में दे दिया जाता है, सीट आपको एक्सेल सीट फ्री में दे दिया जाता है, तो हम सस्ता वाला बुक कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली सीट मिलने वाले हैं। चलिए उसके बाद आगे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है, कैंसिलेशन चार्जेस कितना कटने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पे इस डेट के अंदर कैंसिल करते हैं इतना कटेगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब को हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बीच बीच में इंश्योरेंस भी हमें सजेस्ट किया जा रहा है, फुल 0 कैंसिलेशन यहाँ पे 1479 रुपये में, बाय डेट चेंज प्रोडक्शन प्लान, ये सब हम कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे काम का ये चीज है ऑफर एंड प्रमोशनल कोड, यानी कि यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करके हम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑल कूपन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ऑफर चल रहे हैं, जहाँ पे पहला ऑफर में है 573 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, GOBOBDC पता नहीं ये क्या है। उसके बाद पहला है जिसमें 75 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये 573 वाला डिस्काउंट ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और इसके लिए बोला जा रहा है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड से इस टिकट को बुक करेंगे तो ही ये 573 रुपये का डिस्काउंट कोड अप्लाई रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम BOB का डेबिट कार्ड यूज कर लेंगे पेमेंट करते समय। तो आप देख लीजिए यहाँ पे प्राइस ब्रेकअप में अगर मैं देखता हूँ तो देख लीजिए 573 रुपये डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है और प्राइस घट करके 4209 रुपये हो चुका है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह भी बताए जा रहे हैं जो कि हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। देख लीजिए इंश्योरेंस लेना चाहे तो सिक्योर माई ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो 149 रुपये फिर से एड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ। उसके बाद ट्रेवलर डिटेल यहाँ पे एड करना है तो एड ट्रेवलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे और सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आप एग्जैक्ट वही नेम वही वर्ड डालें जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करते हैं और उसमें कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका एंट्री रोका जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डाटा बिल्कुल ध्यान से फिल करें। चलिए मैं अपना डिटेल फिल करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए हमने यहाँ पे पैसेंजर डिटेल एड कर लिया है, अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी एंटर करना पड़ेगा, तो चलिए हम ये दोनों डिटेल फिल कर लेते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज फिल करके फिर से हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। और ये हमने पैसेंजर डिटेल मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर कर लिया है और यहाँ पे कार वगैरह सजेस्ट किए जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, सीधे हम नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे देख लीजिए ट्रेवलर अनसिक्योर्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम सिक्योर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सीट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे देख लीजिए इस साइड का जितना भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, फिर मिडिल सीट और साइड सीट आ जाता है। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ सीट कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ
पेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन कलर में जो भी सीट आपको दिखेंगे वो फ्री में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो देख लीजिए फ्लाइट के पीछे में यहाँ पे कुछ सीट फ्री वाले है, यानी कि ग्रीन कलर का है, जो कि हम लेंगे तो ये फ्री में सीट हमें मिलेगा। वहीं पर सीट का तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सीट आप 3-4 बार सेलेक्ट कर सकते हैं, 3-4 बार आपको ऑप्शन मिलता है फ्लाइट बुकिंग करते समय। यानी कि अभी हम सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी अगर सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जैसे ही टिकट हमारा बुक हो जाता है, पीएनआर नंबर मिल जाता है, तो वो पीएनआर नंबर लेकर के एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और पीएनआर नंबर डाल करके एडिट बुकिंग के ऊपर क्लिक करके अपना सीट को फिर से हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या नया सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था दूसरा तरीका। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप वेब चेक इन करते समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथा तरीका, वेब चेक इन करते समय भी सीट सेलेक्ट नहीं किया तो एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी सीट जो बचा रहेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा आपके पीएनआर नंबर के ऊपर, जो कि आपको एसएमएस में मिल जाएगा और बोर्डिंग पास में भी मिल जाएगा। लेकिन फ्लाइट बुकिंग करते समय ही अगर आप सीट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको पसंदीदा सीट मिल जाता है। एंड में क्या होता है कि सीट सारा बुक हो जाता है तो शायद आपके पसंद का सीट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका प्राइस है 350 रुपया और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है खाना पीना आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, जो कि फ्लाइट में आपको सर्व किए जाएंगे, तो इसको हम स्किप करते हैं, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, या आप डायरेक्टली स्किप टू पेमेंट सबसे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आई थिंक पेमेंट पेज के ऊपर हमें पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए सामान वगैरह एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। अब देख लीजिए फाइनली मैं आ चुका हूँ पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे 4,888 रुपए का पेमेंट हमें कंफर्म करना है और टिकट हमारा बुक कर दिया जाएगा, जो कि पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, बाय नाउ पे लेटर, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हमने कूपन कोड सेलेक्ट किया था, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ही वो कूपन अप्लाई रहेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जो ऑफर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट डेबिट क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज विदाउट ऑफर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बीओबी के डेबिट कार्ड से पेमेंट कंफर्म करता हूं। यहां पे कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट डाल करके और कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद पेमेंट हमें कंफर्म कर देना है। लेकिन अभी मैं ये टिकट को बुक नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं टिकट आप कहां से देखेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं तो होम पेज के ऊपर हम आ जाते हैं, माय ट्रिप के ऊपर सबसे नीचे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे जो भी ट्रिप आपका अपकमिंग होगा या पास्ट वाला ट्रिप होगा, सबका सब ट्रिप यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके ऊपर क्लिक करके आप टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं या पीएनआर नंबर देख सकते हैं। और यहां पे टिकट का पीएनआर नंबर ही मेन होता है, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम से आप बोर्डिंग पास डाउनलोड कर पाते हैं और वही बोर्डिंग पास से आपका टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री होगा। अभी जो आपने यहां से टिकट बुक किया ये पीडीएफ को कोई भी नहीं पूछने वाला है एयरपोर्ट के ऊपर, बस आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, यानी कि वेब चेक इन करने के बाद जो बोर्डिंग पास निकलता है उसे आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करके जर्नी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही आप ये टिकट बुक करते हैं और जो ट्रेवल डेट होता है उस ट्रेवल डेट से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, जो कि आपको एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन कंप्लीट करना होता है, तब जाकर के आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड होता है आपके मोबाइल में एज ए पीडीएफ। वही पीडीएफ आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करा सकता है, जो कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और बोर्डिंग पास का पीडीएफ दिखाएंगे और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस गो आई बी वो एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।